उत्तर प्रदेश में मचे चुनावी भूचाल के बीच बीजेपी के शिकोहाबाद से विधायक मुकेश वर्मा ने भी अब इस्तीफा दे दिया है। वह पार्टी के सातवें विधायक है जिन्होंने बीजेपी से पिछले 3 दिनों में इस्तीफा दिया है। वर्मा ने योगी सरकार पर दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दिया है। 11 जनवरी को कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफे के बाद से 6 विधायकों ने अब तक बीजेपी का दामन छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इनमें यूपी सरकार में मंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय ओबीसी यूनिट के अध्यक्ष रहे दारा सिंह चौहान और विधायक विनय शाक्य का नाम भी शामिल है। वही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने के बाद 14 जनवरी से अपनी नई राजनीतिक पारी की आधिकारिक शुरुआत करने की बात कही है। तो दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान का पहले ही अपनी पार्टी में स्वागत कर दिया है। वहीं यूपी के सियासी गलियारे में आने वाले दिनों में बीजेपी के कुछ और विधायकों के इस्तीफा देने की बात भी चल रही है। इन सब के बीच कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अपने 125 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें 50 महिला उम्मीदवार शामिल है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करते हुए कहा कि 125 उम्मीदवारों में से 40% नाम महिलाओं के हैं, 40% युवाओं के नाम हैं। हमें उम्मीद है कि राज्य में हम नई तरह की राजनीति की शुरुआत करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की हमारी सूची ये संदेश दे रही है कि यदि आप योगी सरकार के उत्पीड़न और प्रताड़ना के शिकार हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। कांग्रेस की ओर से बनाई गई कुछ अहम महिला उम्मीदवारों की बात करें तो पार्टी ने उन्नाव से बलात्कार का शिकार हुई पीड़िता की मां आशा सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। एनआरसी सीएए के खिलाफ आंदोलन में शामिल रही सदफ जाफर को भी कांग्रेस ने लखनऊ मध्य से टिकट दिया है। वही सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद को भी कांग्रेस ने टिकट दिया है। जो उन्नाव का बहुत बड़ा रेप का केस हुआ था, उनकी माता जी हैं आशा सिंह जी, वो चुनाव लड़ना चाहती हैं और हमने उनको मौका दिया है कि अपने संघर्ष को वो जारी रखें और जिस सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी के का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया, वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे के साथ प्रचार में जुटी है, जिसके तहत पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी चुनाव में 40% महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया हुआ है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।